नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी भी जोरों शोरों से जुट गई है। वह समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर अखिलेश यादव पहुंचे तो तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ पार्टी कार्यालय पर पहले से ही मौजूद थी। बता दें कि अखिलेश यादव लगभग 4 घंटे तक पार्टी कार्यालय पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने तमाम जिलों से आए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और ज्यादातर लोगों ने टिकट के लिए अपना आवेदन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही सौंपा है। साथ ही उससे ये भी पूछा कि वो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में अयोध्या जिले से आए हुए मेयर पद के प्रत्याशी कनिक राम यादव ने बताया कि उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है और उन्होंने मेयर पद के चुनाव लड़ने के लिए अब आशीर्वाद भी दिया है। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। हम इस वक्त समाजवादी पार्टी के एक प्रदेश दफ्तर पे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश भर से आए तमाम जो प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलकर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मीटिंग का दौर है वो लगातार बीते दिन से जारी है और हमारे साथ अयोध्या के मेयर पद के प्रत्याशी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आज आप अखिलेश यादव से मिले हैं, किस विषयों पर चर्चा हुई है और आपको अयोध्या से मेयर पद के लिए चयन किया गया है? जी, माननीय जी से मेरी अभी मुलाकात हुई। माननीय जी, आज बुद्ध पूर्णिमा है, मैं नेताजी को गुरु मानता था तो बुद्ध पूर्णिमा मेरा तो वो है। अब माननीय जी ही अब गुरु हैं पार्टी के, हमारे, हम सबके। तो माननीय जी ने हमने मेयर के लिए, अब उन्होंने हम चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया और पिछली बार हमको लोकसभा में दिए थे लेकिन मैंने खुद टिकट छोड़ दिया था। इस बार उनके आदेश का मैं पालन करूंगा। थी टिकट छोड़ने की? जी, क्या वजह थी आपके टिकट इसलिए छोड़ दिया था, हमारी अलायंस हुई थी, हमने सोचा कोई भी हमारे पार्टी का कोई भी जीत सकता है मेरे सिवाय, तो वो भी वही जीत जाए, तो मैंने इसलिए पार्टी के मजबूती के लिए मैंने अपनी जो है इच्छा हटा ली थी, तो दूसरे को मिला था। फिलहाल वो सीट निकली नहीं अयोध्या की, मैं लड़ता तो रिजल्ट कुछ और होता, तो मैं ये मेयर का चुनाव जीत के दूंगा पार्टी को। और माननीय जी का जो है वहाँ पे उत्पीड़न बहुत है अयोध्या में, 40,000 घर तोड़ करके, मतलब राम मंदिर की आड़ में 40,000 घर तोड़ दिया गया। 40,000 घर को, एक एक घर करोड़ों करोड़ों का है, जो बेचारे व्यवसाय करते थे उनका उनका रोजी रोटी का एक ही माध्यम था, आज वो माध्यम वो भी तोड़ लिया गया। 1,00,000 रुपया एक लोगों को मुआवजा दिया, बताइए कहाँ जाएंगे वो लोग। ये 67.7 हेक्टेयर भूमि पहले से राम मंदिर के लिए अधिग्रहित थी, आज उस जगह पे लोगों का जो आवास है उसको कम से कम 250-300 एकड़ कर दिया और लोगों का मकान तोड़ दे उड़ दिया, किसी को कोई मुआवजा 1,00,000 रुपया। और आप उस क्षेत्र से आते हैं, जनता जो है उनका क्या रुख है इस कार्रवाई को लेकर? इस कार्रवाई के लेकर जनता बेबस है, जनता को एक बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे कि टॉर्चर क्या होता है, मतलब हर तरह से भय, हर तरह के डर, हर तरह का उत्पीड़न और मतलब संगीन मुकदमे में फंसा देंगे, गिरा देंगे, मकान गिरा देंगे, इनकाउंटर करवा देंगे, इस तरह का तमाम तरह तरह की दहशत, मतलब एक तरह का लोकतंत्र की पूरी हत्या हो गई है। और अयोध्या से हम लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद इतना बड़ा शोषण होगा जनता का। की जाए तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर चुनाव लड़ते हुए नजर आई है, निकाय चुनाव में भी अयोध्या में एक महम मुद्दा रहेगा राम मंदिर, कितना आपको उससे नुकसान होगा? हमको कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा वहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है मैं उस लिए उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ मैं खड़ा हूँ और उनकी उनके अन्याय को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नहीं सह सकता। इसके लिए चाहे मुझे सरकार इनकाउंटर करवा दे, चाहे जो करा दे, जो मर्जी जो करा दे सरकार, मुझे सरकार से किसी चीज़ का कोई वो नहीं है, ना मैं बेदाग चेहरा हूँ, मैं ना किसी से मेरी लड़ाई है, ना किसी से झगड़ा है, ना मेरे ऊपर कोई मुकदमा है, मैं वहाँ की जनता की सेवा के लिए। क्षेत्र से कैसा समर्थन मिल रहा है? पूरी समर्थन है अयोध्या में, मैं वहाँ पर जीत के सीट दूंगा, चेयर मतलब वहाँ का जनता वहाँ के चुनाव लड़ेगी, जनता खुद लड़ेगी और वो हम जो है सीट वहाँ की जीत के लाएंगे नगर निगम। अयोध्या का प्रमुख मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप? बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे बड़ा उत्पीड़न है, सबसे ज़्यादा का उत्पीड़न, उत्पीड़न जैसे लोगों का घर गिरा देना, लोगों को मतलब मुआवजा न देना और रोजगार न देना, कोई उद्यम नहीं है किसी के लिए,
सरकार ने एकदम बाहरी लोगों को घुसा दिया पूरे अयोध्या में। कोई दक्षिण भारत के लोग हैं, सारी ज़मीनें उनको अधिग्रहित करके 1400 एकड़ ज़मीन अयोध्या में सिर्फ एक डिपार्टमेंट को अधिग्रहित करके आवास विकास को दे दिया। वहाँ पे सारे गांव-गांव के लोग उजड़ जाएंगे, खाली ये एक जगह दर्शन नगर में 1400 एकड़ ज़मीन खाली एक डिपार्टमेंट को, और बाकी नदी के किनारे कहाँ किनारे सारी ज़मीनें सब बहुत लोअर मुआवजा पर, जहाँ पे 20,000 रुपया स्क्वायर फीट ज़मीन का कीमत है, आज वहाँ पे लोगों को करोड़ों की बिल्डिंग है, उनको 1,00,000 रुपये का मुआवजा सिर्फ तोड़ने के लिए दिया। तो बहुत भयंकर उत्पीड़न है, तो उत्पीड़न को सहन नहीं कर पा रहे थे कोई, मुझे मतलब वहाँ की जनता जो है पूरी तरह से त्रस्त है। 40,000 मकान लगभग लोगों के टूट चुके हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं SC ST वोट की साधने की तैयारी में है। आपने देखा कि कल उचाहार में उनके द्वारा कासेवाम जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, इससे कितना लाभ मिलेगा निकाय चुनाव में आपकी पार्टी को? देखिए, हमारे अभी एक भूतपूर्व MLA हैं, वो भी कोरी समाज से हैं, श्री हुबराज जी यक्ष MLA हैं, वो भी आज ही पार्टी में आने के लिए पूरा तत्पर हैं, वो भी पार्टी में आ रहे हैं। अब आप ये सोलिए, अन्य अन्य पार्टियों को छोड़ करके एक MLA लोग, यक्ष MLA लोग पार्टी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि नीचे स्तर पर कितना उनका वो हो रहा है, शोषण हो रहा है, और उनको कितना मजबूर कर दिया जा रहा है। सारी संस्थानें बेच दी जा रही हैं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, और संस्थानें अगर नहीं रहेंगी तो आरक्षण का मतलब क्या हुआ? तो ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं। इस मुद्दे पर हमको वहाँ पे चुनाव में लड़ना है और सारे लोगों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था करनी है, और सबके जो टूटे हुए एक मकान है उनको सही तरीके से उनका मुआवजा दिलवाना है। जो उनका मुआवजा 20,000 रुपया स्क्वायर फीट की लैंड है वहाँ पर तोड़ने के लिए करोड़ों की बिल्डिंग, और उनको मुआवजा 1,00,000 रुपया। अब आप बताइए, कल रो रहे थे सब लोग, कल मैं सबसे मिला हूँ तो रो रहे थे कि भैया ये टूट जाएगा। उनके पास सिर्फ रोजी का एक ही मुद्दम था, एक छोटा सा रोड के ऊपर मकान, अब वो आपने तोड़ दिया। आप तमाम कोई ऐसी व्यवस्था व्यापारियों के लिए नहीं बनाई जो जगह खाली है वो उसको बाहर की कंपनियों को आप दे दे रहे हो, 1400 एकड़ आवास विकास को दे दे रहे हो, पूरे गांव-गांव को आप उजाड़ दोगे। 1400 एकड़ ज़मीन सिर्फ एक संस्थान को आवास विकास को दिया, और 270 एकड़ ज़मीन राम मंदिर के लिए हो गई जो लोगों का घर है, और 67.7 हेक्टेयर पहले इन्होंने अधिग्रहित की थी, तो उसमें इनका मंदिर क्या बन रहा है? मंदिर का एरिया आपको दिखाएं तो बहुत छोटा एरिया में मंदिर का ढांचा बन रहा है। L&T कंपनी को इन्होंने ठेका पे दिया है, L&T कंपनी कह रही है मैं फ्री में बना रहा हूँ। तो आप राम मंदिर के नाम पर जो रोज धन उगाही हो रही है, वो पैसा किस खाते में रखे हो? कहाँ पे पैसा है आपके पास? विश्व हिंदू परिषद के पास पैसा जा रहा है, आप जो है उसको किस अकाउंट में कितना पैसा आपने उसको रखा है उसको आप आउट करिए। रोज 1 करोड़। आपके कहने का मतलब है जो भी चंदा आ रहा है, जो भी मंदिर बनाने के नाम पे पैसा आ रहा है, हाँ, उसको पारदर्शिता के साथ सामने बताने की जरूरत है। रोज को रोज आप सब चीज का मतलब इनकम टैक्स लगा करके सारे लोगों का हिसाब मांग रहे हो, आप अपना भी तो हिसाब दे दो। आप ये 5KD के आवास में रहते हो, इसका कौन सी ड्राइंग है, कौन सा डिजाइन है जिसमें आप रहे हो, कौन सा नक्शा पास है जो बिल्डिंग बनी हुई है? आप वहाँ पे पुश्तैनी मकान है, 90-90 साल से लोग रह रहे हैं, आज़ादी के बाद से वहाँ 1962 से लोग रह रहे हैं, आप उनका घर तोड़वा दे रहे हो, उजाड़ दे रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे? ये इस तरह का सरकार का बहुत बड़ा वो है, और फिर ये बहुत गलत है। सभी लोगों ने राम मंदिर बनाने की वहाँ के लोगों ने इच्छा की थी, और जनाधार भी दिया, जिताया भी था, लोकसभा भी जिताया 2-2 बार, और उसके बाद MLA भी। आपके अगर बात की जाए अयोध्या में, अयोध्या के अंदर में देखें तो बाबरी मस्जिद भी बनाई जा रही है, क्या स्थिति है वहाँ? जो समाज है मुस्लिम समाज, उनका क्या इस पे रुख है? देखिए, बाबरी मस्जिद जो इन्होंने देखिए बाबरी मस्जिद की तो इन्होंने 6 एकड़ ज़मीन दिया है, उसका वैल्यूएशन जो था मंदिर का, वो ज़मीन का जो वैल्यूएशन था वो 2.77 हेक्टेयर थी, उसमें 3 पार्ट किया था जो विवादित जगह थी, तो उसमें जो 1 पार्ट का जो मुआवजा बनता है 20,000 रुपया कम से कम स्क्वायर फीट का बनता है, तो उस हिसाब से इन्होंने 6 एकड़ या 4 एकड़ जो भी ज़मीन इन्होंने रौनाही में दे दिया है किनारे, तो ज़मीन के बदले उस वैल्यूएशन के हिसाब से इन्होंने ज़मीन दे दी, वो भी सुप्रीम कोर्ट दे दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतराज नहीं किसी को। लेकिन जो और है, जो लोगों की ज़मीनें आप ले रहे हो उनका भी तो वैल्यूएशन के हिसाब से उनको मुआवजा दो, उसी हिसाब से उनको मतलब वो दो। ये थोड़े है कि आप कुछ जगह की ज़रूरत पड़ गई, आपको सड़क बनाने की ज़रूरत पड़ गई, आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप वहाँ पर उनको बहुत पुराना रेट का मुआवजा दे रहे हो, ये गलत है, ये बहुत अत्याचार हो रहा है और लोग रो रहे हैं वहाँ पे।
40,000 मकान लोगों का टूट गया है, आंसू बहा रहे हैं लोग, मुझे वही लोग चुनाव लड़ाएंगे और वही लोग जिताएंगे और मैं जीत के चुनाव आऊँगा। तो हमारे साथ अयोध्या के मेयर के प्रत्याशी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम अयोध्या में जो ज़मीनों का सरकार अधिकृत कर रही है इस मुद्दे पर और उन्हें अच्छा मुआवजा दे रही है इस मुद्दे पर और क्षेत्र की तमाम मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही उनका कहना है कि प्रदेश के अंदर में जो निकाय चुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी की स्थिति साफ रहेगी और हम अयोध्या से मेयर का चुनाव जीत रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो वहीं यूपी में स्कूली छात्रों के सिलेबस से मुगल हिस्ट्री हटाए जाने की खबरें पूरे दिन सुर्खियों में रही, जिसे लेकर कई तरह की राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली है। लेकिन क्या वाकई में छात्रों को अब मुगल हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी? क्या छात्रों के सिलेबस से मुगल दरबार को हटा दिया जाएगा? इस मसले पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कसा था। इन तमाम बयानबाजियों को अब योगी सरकार के मंत्री गुलाब देवी ने अफवाह पर मंत्री गुलाब देवी ने विराम लगा दिया है। यूपी में सिलेबस बदलने को लेकर गुलाब देवी ने कहा, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनके पास भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं के नतीजों पर भी उनसे बातचीत की गई। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी हमारे साथ हैं। मैम, एनसीईआरटी के तमाम पुस्तकों में बदलाव किया गया है, बात करें तो हिंदी पाठ्यक्रम से लेकर इतिहास, तमाम जगह बदलाव किया गया, इसको किस नजर से देखती हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी की पुस्तकें कई प्रदेशों में चल रही हैं, ये केंद्र शासित हैं, इसलिए वहाँ विषय विशेषज्ञों के द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, हम उसी को लागू करते हैं। लेकिन जो परिवर्तन की बात आ रही है, हिंदी की पुस्तक ऐसी है जो हमारा बोर्ड स्वयं छपवाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा जो तमाम रचनाएँ हैं, साथ ही साथ गोरखपुर विभाग के जैसे रचनाओं को हटाने को लेकर हमलावर हैं, इसको किस नजर से देखती है? नहीं, जो हमारा विपक्ष है वो अपनी बात कह रहा है और विपक्ष का काम जो है वो आलोचना करना है, लेकिन वो आलोचना सकारात्मक होनी चाहिए, जनहित में होनी चाहिए, जनहित जनता के लिए सचेत करने के लिए होनी चाहिए। ऐसी आलोचना तथ्यहीन नहीं होनी चाहिए। बिना किसी जानकारी के यदि किसी चीज़ को कहा जाए तो इसका अर्थ अच्छा नहीं निकलता है। मैंने आपको बता दिया कि हिंदी की पुस्तक ऐसी है जिसके लिए हम छपवाते हैं, हमारा बोर्ड छपवाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो बाहर से केंद्र से आती हैं, उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसी किताबें आती हैं, जो पाठ्यक्रम आता है वही लागू किया जाता है। हाल में यूपी बोर्ड की परीक्षा सम्पन्न हुई, सफलतापूर्वक पूरा हुआ, कब तक रिजल्ट आ सकते हैं? आपको बधाई देनी चाहिए कि 30 वर्ष का रिजल्ट तो जो है हमारे 30 वर्ष में इस प्रकार का इतना सुंदर रिजल्ट नहीं रहा, और जो कि इस बार रहा है कि किसी प्रकार की लाखों बच्चा बैठा और कोई किसी प्रकार की कोई नकल नहीं हुई, पारदर्शिता के साथ में हमारी परीक्षाएं हुई हैं और रिजल्ट भी आपको चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा जो 27 से पहले आ जाएगा किसी। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी थी, जिनका साफ तौर पे कहना है उत्तर प्रदेश के अंदर में हिंदी की पुस्तकों में बदलाव नहीं किए गए हैं, साथ ही जो अन्य पुस्तक हैं वो केंद्र से आती है एनसीईआरटी की, और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का आलोचना करना ठीक है मगर सकारात्मक हो। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी संपत्ति की घोषणा की। उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा पेश किया। उन दोनों के पास कुल 14,48,405 रुपए और 17 पैसे रुपए की व्यक्तिगत संपत्ति है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक शिक्षाविद और पूर्व विधायक डॉक्टर जगदीश गांधी ने अपनी और अपनी पत्नी डॉक्टर भारती गांधी की व्यक्तिगत संपत्ति की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि दोनों के पास 1 अप्रैल 2023 को कुल 14,48,405 रुपए और 17 पैसे की व्यक्तिगत संपत्ति है। देखिए, ये हमारी व्यक्तिगत संपत्ति को घोषित करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। हमारे पास
कुल संपत्ति 14,48,405 रुपये की है। ये हम 5 साल MLA भी रहे और 63 वर्षों से ये CMS चला रहे हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल है और इसमें आज तो है 60,000 के बच्चे हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार। हमारा कोई पर्सनल लैंड प्रॉपर्टी या ओन हाउस नहीं है, हम किराए के दे करके रहते हैं। वी डू नॉट हैव एनी फॉरेन करेंसी, गोल्ड सिल्वर और ज्वेलरी और ऑर्नामेंट। वी डू नॉट हैव एनी करेंट अकाउंट इन एनी बैंक। वी डू नॉट हैव एनी फिक्स डिपॉजिट फॉर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है हमारे पास। वी डू नॉट हैव एनी लॉकर, किसी बैंक में हमारा लॉकर नहीं है या अन्य कहीं भी। तो वी डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स अदर देन दिस एबव इन दिस वर्ल्ड, इस पूरे भरे संसार में, इस धरती और आकाश में, इसके अलावा हमारे पास और कोई संपत्ति नहीं है। 14,48,000 हमने अपना ये भी दिया है कि हमारे किस किस बैंक अकाउंट में, किस नंबर के अकाउंट में, कौन से अकाउंट में कितना रुपया है। जैसे इंडियन बैंक हुसैनगंज लखनऊ में हमारे 4 अकाउंट हैं, 3 अकाउंट हैं, तीनों का हमने नंबर दिया है और अमाउंट दिया है। टोटल हमारी बैंकों में जो धनराशि है वो 6,90,260.32 रुपये है। नगद में धनराशि 3,20,920 है और संपत्तियाँ 2,58,463 की है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल चला रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, या तो आप धन कमा लें या बच्चों की ज़िंदगी बना लें। हम बच्चों की ज़िंदगी बनाने में लगे हुए हैं, धन कमाने में नहीं। धन कमाते तो हमारे पास बहुत सारे अपना मकान होता, बंगला होता, हम बहुत कुछ बना सकते थे। हमारे से जो स्कूलों से हमारे यहाँ निकल गए उनके भी पास बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी मकान नहीं, कोई भी लैंड प्रॉपर्टी या ओन हाउस नहीं है। हमारे आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।